हे दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन अमेज़न AWS। तो चलिए हम अमेज़न वेब सर्विसेज पे जाते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना अमेज़न पे अकाउंट तो क्रिएट कर ही लिया होगा AWS पे। तो नाउ यू हैव टू साइन इन टू द कंसोल। आपका फर्स्ट स्टेप वो है कि आप अपना जो भी आपने आईडी क्रिएट किया है उससे साइन इन कीजिए कंसोल पे। मेरा ऑलरेडी साइंड इन था तो इसीलिए ओपन हो गया है। देखिए, ये प्रगति पांडे के नाम से अकाउंट है। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी यू नीड टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस। आपका पहला स्टेप ये है, आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो EC2 पे आपने क्लिक कर दिया और ये आपका खुल गया EC2 का लॉन्चिंग इंस्टेंस पेज। यहाँ से यू हैव टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। आफ्टर दैट एज यू गो अहेड आपको दिखेगा अमेज़ॉन लिनक्स 2 AMI। इस पे आपको ये वाला मशीन जो है आपको सिलेक्ट करना है। यू हैव टू मूव अहेड, देन यू कैन सी नेक्स्ट कॉन्फिगर इंस्टेंस डिटेल्स, देन गो नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, ऐड टैग्स। जब ऐड टैग्स पे आप आ गए, यहाँ पे आपको ऐड अनदर टैग करना है या फिर ऐड टैग करना है। इस पे आपको एक टैग की में नेम डालना है एंड वैल्यू में यू कैन पुट एनीथिंग, एनी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं आप, कोई भी नाम कुछ भी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे CCL लिख रही हूँ और आई वुड प्रेफर राइटिंग क्लाउड। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्फिगर सिक्योरिटी ग्रुप, ऐड रूल। यहाँ पे आपको एक रूल ऐड करना है, HTTP का रूल, आपको दिख रहा होगा HTTP वही का रूल। देन रिव्यू एंड लॉन्च। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी लॉन्चिंग। अब आपको यहाँ पे दिखाएगा कि क्रिएट अ न्यू की पेयर। नाउ आपका काम है कि आपको एक की पेयर क्रिएट करना है। की पेयर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रैक्स करके दे दिया है नाम, नाउ प्रैक्स की पेयर। नाउ यू कैन डाउनलोड दिस की पेयर, और सिंपली मैंने प्रैक्स लिख दिया है बिकॉज दैट इज़ मच सिंपलर एंड ईजी टू रिमेंबर। सो नाउ आई हैव डाउनलोडेड इट। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी लॉन्चिंग द इंस्टेंस। मेरा इनिशिएटिंग इंस्टेंस पेज चालू है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। नाउ व्यू इंस्टेंस। सो इंस्टेंस अब हमें दिखेगा इंस्टेंस कैसा दिख रहा है, जो हमने क्लाउड नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट किया था। ये हम देख सकते हैं, ये पेंडिंग दिखा रहा है अभी बिकॉज अभी पूरा हुआ नहीं है। एंड साइमल्टेनियसली हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अब ये इनिशियलाइज हो रहा है जब यहाँ पे, तब तक हम एक काम करते हैं, हम S3 अमेज़ॉन का एक और पेज खोल लेते हैं AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे जाके, और वहाँ पे S3 एक बकेट बनाते हैं, S3 की बकेट बनाते हैं। इसके लिए आपको S3 में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी बिकॉज वहीं पे हम अपना जो भी वेबसाइट अपलोड करने वाले हैं। सो या अगेन यू कैन सी S3 ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको S3 में जाना है सबसे पहले। द पेज इज़ लोडिंग, या सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट बकेट। अब ये बकेट नेम में आप कुछ भी बकेट नेम अपने मन से डाल सकते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो बकेट नेम एक्सेप्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रैक्स कैल CAL बिकॉज मैं कैलेंडर का वेबसाइट अपलोड करने वाली। फिर ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको ब्लॉक कर वो अनटिक करना है, आई एक्नॉलेज करना है, क्रिएट करना है बकेट। आफ्टर दैट आपको दिख रहा है ये प्रैक्स कैल करके आपका जो भी बकेट क्रिएट हुआ है उसके अंदर क्लिक कीजिए। एज सून एज यू एंटर इनसाइड यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग। यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना जो भी फाइल है। तो मैं भी अपलोड करूँगी अपना जो भी वेबसाइट है जो मुझे अपलोड करना है। सिंपल सा एक कैलेंडर का वेबसाइट है HTML का, मैं वही अपलोड करने वाली हूँ। सो आई कैन सी योर कैलेंडर का zip फाइल। zip फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपके पास कोई भी फाइल है तो उसको zip में कन्वर्ट कीजिए पहले एंड देन ओनली अपलोड इट। तो यस, मैंने ये अपलोड कर दिया, स्टार्टेड एंड सक्सेसफुल। सो calendar.zip करके जो मेरा फाइल है उसके अंदर मैं जाऊँगी एंड आई कैन सी द ऑब्जेक्ट URL नीचे। आई विल मेक इट एज पब्लिक बिकॉज पब्लिक जब हम कर देते हैं तो यू कैन सी द रीड एंड राइट परमिशंस, रीड परमिशंस हो जाती हैं उसको। तो कोई भी पोर्ट डालूंगी तो वहाँ से मैं एक्सेस कर सकती हूँ, जो पब्लिक DNS सर्वर का पोर्ट है, IP एड्रेस है।
हम वापस इंस्टेंसेस पे आए चेक करने के लिए कि हमारा स्टेटस क्या है अभी, जो हमारा EC2 हमने क्रिएट किया था उसका स्टेटस। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें IPv4 पब्लिक IP आपको दिख रहा है, दैट इज़ द IP दैट वी नीड टू कॉपी बिकॉज दैट इज़ वॉट वी आर गोना यूज़ वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस आर वेबसाइट जो कि हमने होस्ट की हुई है। सो फिलहाल में तो स्टेटस नहीं हुआ है, 2x2 चेक्स नहीं मिले हैं। 2x2 चेक्स क्या होता है मैं बताऊंगी। फिलहाल के लिए हमने IPv4 पब्लिक IP को कॉपी कर लिया है। तो अभी यहाँ पे इनिशियलाइजिंग ही दिखा रहा है। लेट्स डू वन थिंग, आई होप आप लोग ने पुट्टी डाउनलोड करके रखा है। पुट्टी इज़ अ सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करना है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पुट्टी करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है। सो आफ्टर डाउनलोडिंग पुट्टी आई एम गोना ओपन इट। इट इज़ इन यर, आई कॉल्ड इट पुट्टी। नाउ यहाँ पे आपको पुट्टी जेन जो है उसको ओपन करना है। पुट्टी जेन इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन इन द पुट्टी इटसेल्फ। नाउ यहाँ पे क्लिक ऑन लोड। एज सुन एज यू क्लिक ऑन लोड आपको दिखाया जाएगा कि यू नीड टू सिलेक्ट द की पेयर दैट यू क्रिएटेड वाइल एग्जीक्यूटिंग EC2। EC2 एग्जीक्यूट करते समय आपने जो की पेयर क्रिएट किया था वही आपको ढूंढना है। ऑल फाइल्स करेंगे तब आप देख सकते हैं वो की पेयर। तो यहाँ पे की पेयर आपको मिल जाएगा जो भी आपने क्रिएट किया था। मैंने क्या प्रैक्स करके की पेयर क्रिएट किया था, मैं वही सर्च करती हूँ प्रैक्स। सो उप्स सॉरी, पी लिखना था PR, या सो prax.pem मुझे मिल चुका है। ये मेरा की था। ओके पे क्लिक कर दीजिए, देन सेव प्राइवेट की। अभी तक आपने जो की क्रिएट किया था दैट वॉज नॉट अ प्राइवेट की, यू नीड टू मेक अ प्राइवेट की ऑफ इट। तो डेस्कटॉप में मैंने सेव कर रही हूँ, मैं तो डेस्कटॉप में, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। सो फाइल नेम में आपको लिखना है प्रैक्स प्राइवेट की करके मैं लिख दूंगी। सो IVATE KEY सेफ, एंड दैट्स हाउ माई प्राइवेट की हैज़ बीन सेव्ड। नाउ लेट्स गो बैक टू चेक कि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस हो चुका है 2x2 चेक्स, मतलब नाउ हमारा मशीन जो है वो कम्प्लीटली रन कर रहा है, करेक्ट। नाउ लेट्स गो और मे बी विल जस्ट सी द डिस्क्रिप्शन एंड सी द IPv4 पब्लिक IP, विल कॉपी इट। हमने कॉपी तो किया था बट मैं शायद भूल गई मैंने कॉपी किया था कि नहीं, तो इसलिए मैं कर ले रही हूँ वापस। नाउ लेट्स गो टू द पुट्टी अगैन। पुट्टी पे जाना है इस बार, पुट्टी जेन पे नहीं जाना है, हमको पुट्टी पे जाना है। वो फोल्डर भी अंदर ही है, पुट्टी के अंदर ही है। नाउ होस्ट नेम और IP एड्रेस आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ पे यू विल राइट EC2 -user, देन यू विल राइट @ आपका जो होस्ट आपने जो कॉपी किया था IPv4 पब्लिक एड्रेस, वही IP एड्रेस बेसिकली। SSH पे जाके आपको ऑथ पे क्लिक करना है और ऑथ पे आपको ब्राउज करना है आपका जो प्राइवेट की आपने क्रिएट किया था। तो प्रैक्स प्राइवेट की मैंने क्रिएट किया था, मैं उसको ओपन कर देती हूँ। देन अगेन क्लिक ऑन ओपन एंड टडा, आपका टर्मिनल क्रिएट। यस पे क्लिक कर देना, उसको टर्मिनल क्रिएट हो गया। सो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये एडमिनिस्ट्रेटर अभी एक्सेस नहीं है इसको, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के लिए sudo su आपको लिखना है। sudo su अब एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल गया आपको। नेक्स्ट यू विल राइट वी वोंट डू दैट। विल स्टार्ट विथ yum install httpd-y। जैसे आप ये करेंगे तो सारे के सारे आपके जो लाइब्रेरीज हैं जो भी कुछ है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपका जितना भी लाइब्रेरीज है सब इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ वो स्टार्टिंग का पार्ट, आपका मेन प्रोसीजर तो हो चुका है। नाउ pwd टू चेक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सो आर वर्किंग डायरेक्टरी इज होम EC2 user फॉर नाउ। नाउ वी नीड टू चेंज द डायरेक्टरी, तो cd लिखेंगे, cd where slash www slash html।
Okay, so this is how you're gonna write your डायरेक्ट्री. आपका अब डायरेक्ट्री चेंज हो चुका है. देखिए आपका न्यू डायरेक्ट्री वो ईसी टू यूजर से अभी एचटीएमएल वाला हो चुका है. नाउ नेक्स्ट टास्क इज आर हाउ टू गेट द वील सी द लिस्ट. जो भी एलएस करके हम लिस्ट चेक करेंगे सबसे पहले. तो लिस्ट में तो कुछ भी नहीं है फिलहाल में. डब्ल्यू गेट मैंने लिखा है. डब्ल्यू गेट में बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पेस्ट द साइट. जो मेरी साइट है वो कहाँ से आएगी, ये यूआरएल कहाँ पे आएगा. S3 मैनेजमेंट कंसोल में जाना है मुझे. S3 मैनेजमेंट कंसोल में व्हेन आई गो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूआरएल जो लिखा है ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है मुझे. मेरा जो भी मैंने अभी अपलोड किया था वही वाला. तो आई हैव कॉपीड इट. लेट्स पेस्ट इट या. और मेरे में एक्चुअली आई गेस ये पेस्ट नहीं हो रहा है तो मैं लिख दूंगी बिकॉज ये पेस्ट नहीं हो रहा है. तो आई जस्ट राइट डॉट जिप एंड एंटर. इसी एंटर किया तो हमारा सारा का सारा जो भी था डेटा आ गया. ls किया मैंने तुरंत, मेरे को कैलेंडर डॉट जिप आ गया मेरा फाइल. अब मैं उसको अनजिप कर दूंगी. अनजिप कैलेंडर डॉट जिप. सो दैट विल बी आर नेक्स्ट कमांड. एज सुन एज आई डिड दैट एंटर किया तो सारा का सारा हमारा कैलेंडर डॉट जिप का डेटा आ गया. अब ये जो ब्लू में लिखा हुआ है कैलेंडर HTML JavaScript master, ये मुझे लिखना है. तो mv स्पेस कैलेंडर HTML हाइफन JavaScript हाइफन master, ये मुझे एज इट इज़ लिखना है जैसा उसमें लिखा हुआ है. ये आपकी जिप फाइल के अंदर वाली फाइल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कैलेंडर HTML हाइफन JavaScript हाइफन master फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और स्टार यू कैन से स्पेस पीरियड ऑपरेटर या डॉट. एंटर मारा डन. नाउ लिस्ट करेंगे. देखिए अंदर के सारे हमारे जो भी फाइल्स है वो आ गए. डायरेक्टरी के अंदर वाली फाइल्स आ गई. नाउ स्टार्ट वी हैव टू स्टार्ट इट. तो सर्विस httpd स्टार्ट. एज सुन एज यू डू दैट आपका ये स्टार्ट हो गया. एज यू कैन सी हियर रीडायरेक्टिंग दिखा रहा है आपको रीडायरेक्टिंग टू. तो वो स्टार्ट हो चुका है. सो लेट्स सी कि वो काम कर रहा है कि नहीं. उसके लिए हमको क्या करना है, हमको EC2 इंस्टेंस में जाके वो जो पब्लिक वाला जो हमारा IP एड्रेस था IPv4 पब्लिक IP उसको कॉपी करना है. एंड आफ्टर कॉपिंग वी जस्ट हैव टू पेस्ट इट इन आर ब्राउज़र. तो मैंने पेस्ट किया. देखिए मेरा कैलेंडर का साइट खुल चुका है. यहाँ पे मैं जंप करती हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ पे एंड पर्टिकुलर ईयर पे. ये मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो भी फंक्शनैलिटी होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा. एंड देखिए ऐसे करके हम कोई भी वेबसाइट को फंक्शन कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस. तो या आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.